यार, आज जब मैं अपने टीवी पे कार्टून देख रहा होता हूँ तभी यार मुझे बहुत ही जोर से भूख लग जाती है, और जब मैं अपने किचन रूम में जाकर देखता हूँ तो यार खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है भाई, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच रहा होता हूँ क्यों ना मार्केट जाके वहाँ से कुछ खाने के लिए सामान लेके आऊंगा। तो मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ और गाड़ी की चाबी लेके निकल पड़ता हूँ अपने स्कॉर्पियो 11 के पास। और आप लोगों को तो पता है मुझे रेड कलर की स्कॉर्पियो कितना ज्यादा पसंद है, तो मैं इस पे बैठ कर निकल पड़ता हूँ मार्केट की। और एक बात ऐसी है कि 11 ने 100,000 किलोमीटर पार कर दी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश था कि देखो कितनी रिलायबल गाड़ी है। लेकिन यार आज जो हुआ ना भाई, मतलब कभी नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जब मैं सिटी पहुंचता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि भाई अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ था और भाई यहाँ पर सामने में सिग्नल भी रेड हो चुका था। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला क्या यार सामने में सिग्नल भी लग गया। लेकिन जब सिग्नल ग्रीन हुई तो सब लोगों की गाड़ी चल गई। लेकिन गाइस जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, मतलब जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। मैंने ट्राई करा एक बार दो बार, लेकिन आप लोगों को तो पता है लोगों का क्या है, पीछे से हॉर्न मारना स्टार्ट कर दिया, इससे अच्छा और ट्रैफिक जाम होता। मैंने यहाँ पे उतर के देख लिया कि अच्छा खासा लोचा हो रखा है। तो मैं ज्यादा देर टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने दोस्त के नंबर पे कॉल लगाकर उसको बुला लेता हूँ टो ट्रक लेके कि अपने गाड़ी को लोड करके यहाँ से ले जा सके। तो मैंने उसे फोन करके सारा प्रॉब्लम बता दिया और वो 1 घंटा बाद अपना टो ट्रक लेकर आ जाता है। और भाई उसने अपनी टो ट्रक की इतनी घटिया हालत कर रखी थी कि देख के लग रहा था उसे टो करने की जरूरत है। फिर मैं और मेरे फ्रेंड मिलकर दोनों S11 को टो ट्रक के ऊपर टो कर देते हैं। और मैं यहाँ पे खाना खाने निकला था, लेकिन गाड़ी की ऐसी हालत देखकर हमें जाना पड़ेगा मैकेनिक की गैरेज में, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ ऊपर वाले सीट में जाकर बैठ जाता हूँ। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो रास्ते में अजीब गरीब खैर आने लगती है कि भाई गाड़ी में कुछ हुआ तो नहीं, या फिर मतलब चूहे ने तार वार तो नहीं काट दिया। और आप लोगों को तो पता है मुझे रेड कलर का S11 कितना ज्यादा पसंद है, मैं इसके अलावा कोई और गाड़ी भी यूज नहीं करता हूँ। तो यही बात करते हुए और सोचते हुए मैं आ जाता हूँ अपने दोस्त के जान पहचान के मैकेनिक के पास। और अब मुझे भी नहीं पता कि इस गाड़ी में कितना ज्यादा खर्चा आने वाला है। जैसे तैसे करके ये दोनों गाड़ी को गैरेज के अंदर लेके चले जाते हैं। और फिर गाड़ी को अच्छे से चेक करने के बाद वो मेरे से पूछता है कि भाई गाड़ी में कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या? तो मैंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो भाई उसने मुझे जवाब दिया ना, उसे सुनकर मैं काफी ज्यादा उदास हो गया। उसने मुझे कहा देख भाई, इसका इंजन जो है ना वो अच्छी तरीके से डेड हो चुकी है और अभी इसका इंजन रिप्लेस होने से रहा क्योंकि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है। फिर मैंने बोला कि भाई मैं क्या करूं, तब तक मुझे तो भी गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर उसने मुझे बोला भैया एक काम कर, तू दूसरी गाड़ी ले ले, वैसे भी कब तक ये 2000 में चलाएगा। लेकिन उसके बाद में दम तो था, मैं ये गाड़ी 2 साल से चला रहा हूं। तो मैंने भी अब सोच लिया कि अब तो नया गाड़ी ले ही लिया जाए। तो मैं अपने फ्रेंड की ट्रक में बैठकर एक कार शोरूम के तलाश में निकल पड़ता हूं। तो भी मुझे यहां पे एक कार शोरूम मिल जाता है, लेकिन मैं यहां से गाड़ी को फाइनेंस में लेने वाला हूं क्योंकि भाई अभी हालत ऐसा चल रही है कि मुझे अपनी स्कॉर्पियो की इंजन भी रिप्लेसमेंट करवानी है। तो मुझे यहां पे पहला महिंद्रा थार दिखती है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी क्योंकि भाई इसकी रेट काफी ज्यादा है। फिर मुझे यहां पे फॉर्च्यूनर दिखती है ब्लैक कलर की, लेकिन मुझे फॉर्च्यूनर भी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये थोड़ा पुराना मॉडल हो चुका है अब। और बात ये भी है कि महिंद्रा थार की ये भी 2 गुना डबल है। और फिर ये मुझे ऑडी दिखाता है व्हाइट कलर का, जिसे खरीदते खरीदते मेरा घर क्या मैं खुद चल जाएगा। फिर ये मुझे स्कॉर्पियो 11 दिखाता है, मतलब वही मॉडल की गाड़ी। और भाई इसे देख के मैं पूरा खुश हो जाता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे 11 कितना ज्यादा पसंद है। तो मैं फटाफट इससे स्कॉर्पियो 11 की चाबी मांगता हूँ, निकल पड़ता हूँ टेस्ट ड्राइविंग के लिए। और अगर पुराने वाले स्कॉर्पियो से नई स्कॉर्पियो देखा जाए तो उसका अंदर से इंटीरियर काफी सही कर दिया गया है। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो भैंस की टांग क्या ही स्पीड है, क्योंकि भाई कम समय में काफी ज्यादा स्पीड पकड़ चुका था। और ये वाला गाड़ी मुझे पहले के मुकाबले से सही लग रहा था, तो मैं इस गाड़ी को फाइनेंस में लेने वाला हूँ। तो मैंने इसे फटाफट ऑनलाइन थ्रू पैसा पेमेंट कर दिया और अपनी गाड़ी को लेकर चल पड़ता हूँ अपने घर की ओर। और सर दोबारा हमारे महिंद्रा शोरूम में जरूर आइएगा। ओके जरूर आएंगे, लेकिन तुम थोड़ी अपनी गाड़ी बढ़ाओ, मतलब 4 ही गाड़ी रखे हो अपने शोरूम में। तो चलो यार, मुझे भी उसके साथ बिजनेस करके बहुत ही अच्छा लगा और डाउन पेमेंट मैंने 4 लाख पूरे कर दिया था। और बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और ऐसा लग रहा है कि मैं जरूर चीज भूल रहा हूँ, ओ भैंस की मुझे तो भूख लगी थी। तो चलो यार मैं दुकान जा रहा हूँ सामान लाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।